हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी के इस चैनल एसएससी बी पर आप सभी का स्वागत है। ये एक डेडिकेटेड चैनल है एसएससी और रेलवे रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको मिलता है यूजफुल कंटेंट, साथ ही साथ वीडियोस मिलती हैं आपको टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। राइट, इसमें हमने एक सीरीज शुरू की है जनरल अवेयरनेस या फिर जीके के अंडर में। यह है केमिस्ट्री, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। राइट, तो इसमें हमने 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया है, जो मोस्ट मैंने आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मैंने इसमें इन्वॉल्व किए। इसका आज पार्ट टू है। पार्ट वन यानी कि 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पार्ट फोर पार्ट में इस सीरीज को हम खत्म कर। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? एलपीजी आप समझते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए, किचन में हमारे यूज होती है, साथ ही साथ कुछ व्हीकल्स में भी इसको यूज किया जाता है। तो इसका मेन कंपोनेंट, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये इसमें क्या क्या चीजें होती है? मिथेन, हेक्सेन, इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, पेंटेन, हेक्सेन, या फिर इथेन, मिथेन और पेंटेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अ वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट? लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या होता है, उसके भार में क्या इफेक्ट आता है? इंक्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिक्रीज देन इंक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, या रिमेन्स द सेम, यानी कि लंबे समय तक वही रहता है, घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है, या फिर पहले जैसे ही रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी कि इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पहले वो जंग लगने के बाद लोहे का वेट बढ़ेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होगा। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड? पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? आप जानते हैं पदार्थ की, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट जो मैटर की मिली है वो है प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट, वट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर इंटर एटोमिक फोर्सेस? अंतरा परमाणु बलों के लिए सक्रिय होने के लिए उनकी दूरी जो होती है उसका ऑर्डर क्या है, वो किस क्रम की होनी चाहिए? तो 10^-7 मीटर, 10^-8 मीटर, 10^-9 मीटर, या फिर 10^-10 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 10^-10 मीटर। 10^-10 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए, इस ऑर्डर की उसकी दूरी होनी चाहिए, तभी वो इंटर एटोमिक फोर्स के लिए एप्लीकेबल, या फिर मतलब वहां पर बीच में उन दोनों के एटम्स के ये इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लैक लंग डिजीज अकर्स इन पीपल वर्किंग इन, जो किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में ब्लैक फंगस, है ना, की बीमारी हमें देखने को मिलती है, ब्लैक लंग्स की बीमारी देखने को मिलती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंडस्ट्री, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर कोल माइंस, यानी कि कोयले खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कोल माइंस, या फिर कोयले की खान में काम करने वाले को ये ब्लैक लंग की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, द भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप जानते हैं भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कि गैस निकली थी जो आसपास के लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से त्रासदी थी, काफी लोगों की जान भी गई उसमें, काफी लोगों को इफेक्ट भी हुआ हेल्थ वाइज। तो उस भोपाल ट्रेजेडी में गैस जो रिलीज हुई थी वो कौन सी गैस थी? फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, या फिर क्लोरीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये गैस थी जो वहां पर रिलीज हुई थी जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां के लोगों को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर, आयरन ओर, इनमें से कौन सा एक लोह अयस्क है, आयरन का एक अयस्क? बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, या फिर नाइट्राइट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लोहे का यानी कि आयरन का एक अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनरल इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का एक ओर है यानी कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, या फिर साइडाइट? तो मैग्नेटाइट मैंने आपको बताया आयरन का है, हेमेटाइट भी आयरन का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव इंक और रस्ट स्टेन ऑन क्लोथ, जो कपड़ों पर जो स्याही लग जाती है, स्याही, या फिर जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उनको हटाने के लिए इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड,
ऑक्जेलिक अम्ल, क्लोर एल्कोहल, ईथर या फिर कैरोसिन ऑयल यानी कि मट्टी का तेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। इसमें ऑक्जेलिक एसिड का यूज कर कर ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करके हम जो कपड़ों पर लगी हुई स्याही या फिर जंग के दाग होते हैं उनको हटा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब आर फिल्ड विद, इलेक्ट्रिक बल्ब जो बिजली के जो बल्ब होते हैं वो किससे भर होते हैं, उनमें कौन सी गैस हमें देखने को मिलती है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्गन। ऑर्गन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि नोबल गैस होती है। नोबल गैस मीन्स ये इनर्ट गैस होती है, ये किसी और गैस से रिएक्शन नहीं करती, किसी और चीज से निष्क्रिय गैस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑर्गन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2 8 और 8, यानी कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, ये बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ड्राई पाउडर फायर एग्जिंग्विशर यानी कि जो शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, इनमें शुष्क पाउडर यूज किया जाता है, वो उनमें क्या चीज होती है? सैंड यानी कि रेत, सैंड एंड सोडियम कार्बोनेट यानी कि सैंड रेत और सोडियम कार्बोनेट, रेत और पोटेशियम कार्बोनेट, रेत और सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सैंड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें रेत मिलता है साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीजें दोनों देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट। हु डेवलप्ड हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। ठीक है, एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड एटम बम, हाइड्रोजन बम हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एटम बम की बात करें कि एटम बम का आविष्कार किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बी रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हाइमन से हम कनेक्ट कर सकते हैं, हाइमन एटम बम। ठीक है, और एडवर्ड टेलर ये थे हमारे हाइड्रोजन बम। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम और हाइमन हाइमर ये हमारे क्या है? एटम बम। ठीक है, नेक्स्ट। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन मोस्ट कॉमन यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट बल्ब्स। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं जो ज्यादा रोशनी देती हैं, फ्लोरोसेंस हमारे घर में भी यूज होती हैं, उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, सोडियम वेपर यानी और नियॉन, पारा वेपर यानी कि मरकरी वेपर और आर्गन, या फिर मरकरी ऑक्साइड और नियॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मरकरी वेपर एंड आर्गन। ये इसमें यूज होता है, मरकरी वेपर और आर्गन इसमें यूज होता है। ठीक है, एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट बिकॉज ऑफ, किस कारण से? फिटकरी द्वारा मामूली कटरे का खून बंद हो जाता है, जब कोई खून वगैरह कहीं चोट लग जाती है वहां पर तुरंत फिटकरी लगा देते हैं और वो खून बंद हो जाता है। तो इनमें से क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से वो होता है? सेल्वेशन, इमल्शन, डायलिसिस या फिर कोएगुलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन की वजह से खून जो है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, ओजोन होल आपने सुना होगा, ओजोन क्षेत्र बन रहा है ये पॉल्यूशन की वजह से, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका या फिर यूरोप। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है ओजोन होल। ठीक है, नेक्स्ट, द चीफ सोर्स ऑफ नेप्थलीन इज, नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोल तार, डीजल, लकड़ी का कोयला या कपूर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, दैट इज कोल तार। कोल तार नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत है। नेप्थलीन बॉल्स आपने देखे होंगे हमारे घर में, जो कपड़े वगैरह रखते हैं संदूक में या फिर किसी बॉक्स में, तो उसमें नेप्थलीन बॉल डाल दिया जाता है ताकि उसमें या तो कीड़े रह लगे या फिर कोई स्मेल ना हो, तो इस वजह से डाल दिया जाता है। ठीक, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किस चीज का, जल गैस जो है वो किस चीज का मिक्सचर है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि CO प्लस H2, इससे मिलकर ये हमारे वाटर गैस बनती है, CO प्लस H2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट, द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल, सोलर सेल्स को बनाने में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज सिलिकॉन। बैटरी वगैरह होती है इनको बनाने में सिलिकॉन का, या फिर जो चिप होती है, मेमोरी कार्ड होते हैं, इनको बनाने में भी सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ हीटिंग एलिमेंट, जो हीटर होते हैं या जो
प्रेस होती है, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो जो गर्म होता है उसको, वो किस चीज का बना? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर जिंक? टेक्निकल एक यूज होता है सी, दैट इज नाइक्रोम। ये नाइक्रोम का, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, तो उसको वो झेल लेता है, तो वो मेल्ट नहीं होता, ठीक है। और ये हीटिंग भी जल्दी कर लेता है ना, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, हवा का प्रमुख घटक क्या है? हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रोजन। 78% हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर? सी वाटर में से, यानी कि समुद्री जल में से, इनमें से कौन सी धातु निकाली जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ही पूछा गया है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरिलियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी कि एमजी इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अ पॉलीमरिक सब्सटेंस यूज टू मेक पैराशूट, जो पैराशूट बनाने में कौन सा पॉलीमरिक सब्सटेंस या फिर कौन सा बहुलक पदार्थ है कि यूज होता है? रेयॉन, विस्कॉन, कॉटन या फिर टेरिलिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज विस्कस। विस्कोस इसमें यूज किया जाता है पैराशूट बनाने में, विस्कोस पैराशूट। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टियर गैस, जो आंसू गैस होती है, जो पुलिस वगैरह यूज करती है प्रोटेस्ट के दौरान में, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एथेन है, इथेनॉल है, ईथर है या फिर क्लोरोपिक्रीन है? हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन इसका मेन कॉम्पोनेंट है, इसमें ज्यादातर क्लोरोपिक्रीन देखने को मिलता है, जिससे आंसू आंसू बाहर आते हैं, मतलब आंखों से, ठीक है। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, यानी कि पार्ट टू हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसमें दो पार्ट और करेंगे, जिसमें हम 25-25 के हिसाब से 50 क्वेश्चंस इसमें और कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में आपको इन्हीं में से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बाकी आपको कुछ करना नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह के यूजफुल वीडियोज मिलते रहे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।